Hi guys, welcome back. आज मैं आपको इस वीडियो में पुराने लहंगे को कैसे री कर सकते हैं बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में बिल्कुल ही नए लुक में कैसे आप उसको री कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। एक ना एक पुराना लहंगा तो सबके पास ही रखा होगा जो आपने बहुत पहले किसी कजन के या किसी फ्रेंड के वेडिंग में सिलवाई होगी और उसके बाद आप उसको कभी भी पहन नहीं पाए क्योंकि ऐसा लगता है कि पुराने लहंगे को कैसे कैरी करूँ किसी और के वेडिंग में तो इसलिए हम उसको रखे ही रहने देते हैं और उसको कभी यूज़ नहीं करते तो सेम ऐसा ही एक लहंगा मेरे पास भी रखा हुआ था जो मैंने टू में स्टिच कराया था ये है वो लहंगा और इसको मैंने 2016 में अपने कजन के वेडिंग के लिए स्टिच कराया और उसके बाद मैंने आई गेस दो बार इस लहंगे को पहना है तो इस ब्लाउज को भी मैं पहन नहीं पाती हूं क्योंकि बहुत ही टाइट हो चुका है मुझे ये और अब इसमें मार्जिन भी नहीं है कि मैं उसको लूज कर आज मैं इस लहंगे को आपको दो अलग लुक में पहन के दिखाऊंगी एक तो थोड़ा इंडियन लुक ही रखेंगे और दूसरा थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक रखने का ट्राई करेंगे और उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके पास कोई पुराने लहंगे तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो बिकॉज बेसिकली होता क्या है स्कर्ट तो आप री कर सकते हो प्रॉब्लम ब्लाउज के साथ आती है या तो ब्लाउज छोटी हो जाती है या फिर आपको उस ब्लाउज का पैटर्न अच्छा नहीं लगता है इसीलिए मैंने क्या किया है मैं स्कर्ट तो सेम यूज कर रही हूँ क्योंकि ब्लाउज अब मुझे फिट नहीं होता है तो ब्लाउज को मैं चेंज कर रही हूँ मेरा ब्लाउज इसमें ये टाइट हो चुका है तो मैं उसको दूसरे ब्लाउज के साथ स्टाइल करने वाली हूँ जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की है काफी बढ़िया लग रहा है मुझे वो ब्लाउज पहन के मैंने उसको ट्राई करके देखा है एंड बेस्ट पार्ट इज वो सेम एग्जैक्ट कलर आया और ऐसा लग रहा है कि सेम थान के कपड़े से ही कट करके इसको बनवाया गया है और तो मैं तो बहुत खुश हूँ एंड उसकी फिटिंग भी बहुत बढ़िया आई है तो पहले मैं आपको अपना पुराना ब्लाउज दिखाती हूँ जो ओरिजिनल ब्लाउज है जो अब मुझे टाइट हो चुका है ये है वो ब्लाउज प्लेन ब्लाउज है वेलवेट में पैडेड ब्लाउज है और इसके स्लीव्स मैंने थोड़ी सी छोटी रखवाई थी ऐसा कप स्लीव्स टाइप रखवाई थी क्योंकि तब मैं थोड़ी पतली भी थी तो अच्छा लगता था और इसमें साइड जिप है पर इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी सिली थी ये मैंने एक डिज़ाइनर स्टूडियो से ये लहगा कस्टमाइज कराया था और लोखंड वाला मुंबई में ही है ये डिज़ाइनर स्टूडियो और काफ़ी अच्छी फिटिंग बना के दी थी उसने ब्लाउज की पर अब मैं ही मोटी हो गई हूँ तो उसमें क्या कर सकते हैं है ना तो अब मैं आपको वो ब्लाउज दिखाऊंगी जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया ये है वो ब्लाउज और इसमें नेक स्वीट हार्ट नेक है पैडेड है ये भी और इसमें जो स्लीव्स है ये पूरी तरीके से स्लीवलेस भी नहीं है पर इसमें वो शॉर्ट स्लीव्स भी नहीं है बहुत ही अच्छा यूनिक स्टाइल है स्लीव्स को शोल्डर के पास यहाँ पे गैदर्स है तो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा आता है यहाँ पे थोड़े गैदर्स बन के आते हैं बहुत ही अच्छा सा पैटर्न अभी मैं पहन के दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं सेकेंड लुक में मैं आपको इसको वन शोल्डर स्लीव में स्टाइल करके दिखाऊंगी वो लुक मैं ऑलरेडी एक दूसरे स्कर्ट के साथ पहन चुकी हूँ आपको मैंने एक वीडियो में भी दिखाया था जहाँ पर मैंने एक स्कर्ट को बहुत सारे तरीके से रीयूज़ किया था मैं वो लिंक नीचे डाल दूँगी अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको भी देखना क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे इंस्पिरेशन में लेंगे कि कैसे किसके साथ क्या चीज़ पहना जा सकता है सेम टॉप को मैं इस लहंगे के साथ पहनने वाली हूँ और देखते हैं कि कैसा लगता है तो चलिए मैं आपको पहला लुक पहन के दिखाती हूँ बहुत ही स्टाइलिश लुक लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है आप इसका नेक देखो कितने अच्छे से सेट होके तो आया है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ ख़रीदी और इसमें आ, कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं कराई है बिल्कुल ही मेरे फिटिंग का आया है और कलर भी बिल्कुल मैचिंग है तो बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप मेरे पुराने लुक को कंपेयर करो अभी वाले लुक के साथ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है पहले से अगर मैं बोलूँ तो स्वीट हार्ट नैक की वजह से अच्छा सा कैनवस मिल गया है ओपन कैनवस मिल गया है तो इसमें जो भी ज्वेलरी पहनेंगे वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा यहाँ पे मैंने दो रिंग पहनी है मेरी वेडिंग रिंग्स हैं ये दोनों और गले में मैंने चोकर और साथ में ऐसे गोल ईयर रिंग्स पहनी है जिसमें नीचे ग्रीन मोती लगी हुई है और मरून नेकलेस है मेरा जो कि ओवरऑल ग्रीन आउटफिट को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और जो लहंगे में मोटिव्स है वो पान के शेप में पूरे लहंगे में मोटिव्स हैं उसमें सितारे से काम किया हुआ है और ब्लाउज़ इसलिए पूरा प्लेन रखा है तो और अच्छे से उसको कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि नीचे हैवी है काफ़ी दुपट्टे में मैंने नेट का दुपट्टा लिया है गोल्डन दुपट्टा है उसको सिंपल पीछे बैक साइड से लेके फ्रंट में थोड़ा लाके छोड़ दिया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मेरा सेकेंड लुक क्रॉप टॉप के साथ ये भी बहुत स्मार्ट लग रहा है ये थोड़ा इंडो वेस्टर्न साइड जा रहा है अगर आप कहीं पे ऐसा कंफर्टेबल हैं पहनने के लिए जहाँ पे आप थोड़ा सा वन शोल्डर वाला टाइप क्रॉप टॉप पहन सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप उतने कंफर्टेबल नहीं है ऐसा कुछ आप सेटअप में पहन रहे हैं जहाँ पे आप ऐसा वन शोल्डर टॉप या कुछ नहीं पहन सकते तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसा ब्लाउज़ ट्राई कर सकते हैं पर ये लुक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस लुक में मैंने ज्वेलरी को चेंज कर दिया है यहाँ पे बेसिक गोल्डन ज्वेलरी है ऊपर कुंदन का काम किया हुआ है और इसमें मैंने मांगटी का भी ऐड किया है क्योंकि ब्लाउज थोड़ा सा प्लेन हो रहा था और वो क्रॉप टॉप ना लगे इसकी वजह से थोड़ी ज्वेलरी से मैंने पूरे ओवरऑल लुक को एनहांस करने की कोशिश की है हाथों में मैंने दो गोल्डन कड़े डाले हैं पर यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी ये लुक को देखने के बाद बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा खुला हुआ हाथ है इसमें सिर्फ कड़े पहनने के बजाय मुझे आ, कुछ हैवी अच्छा भरा हुआ सा पहनना चाहिए था वो लुक को और ज़्यादा ही इनहस कर देता तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे लहंगे रखे हुए और आपको लगता है कि आपको यूज़ करना चाहिए नए पे नई इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर आप ऐसे मिंत्रा पे कुछ ब्लाउजेस देख सकते हैं या आप स्टिच भी करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसको स्टाइल कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है और अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि चलो फाइनली ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं रखी नहीं हुई हैं बस ऐसे बहुत मेहनत से मैंने ये लुक क्रिएट किया है तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्सअप ज़रूर देना और वीडियो शेयर करना और अपना ध्यान रखना बाय